गुवाहाटी में बागी शिव सैनिकों की हो रही है अच्छी खातिरदारी और इस खातिरदारी में पर डे लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में 70 कमरे बागी विधायकों के लिए बुक किए गए हैं और खान पान पर हर रोज 8 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 7 दिनों के लिए बागी नेताओं के लिए ये कमरे बुक हैं और इन कमरों का ओवरऑल जो पैकेज होगा 7 दिनों बाद वो करोड़ों में होगा। मीडिया में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक होटल रेडिसन ब्लू में जो कमरे बुक है उनकी 7 दिनों की कीमत 56 लाख रुपए है। वहीं खाने पीने पर भी 56 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। बागी विधायकों को एक आलिशान और लग्जरियस लाइफ इस वक्त दी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि हर दिन बागी विधायकों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, जहां एकनाथ शिंदे का दावा है कि 37 शिव सैनिक उनके अपने हैं और बाकी दूसरे दलों के उनके साथ आए हैं। ऐसे में टोटल 49 विधायक उनके पास है, जो अपने आप में उद्धव ठाकरे से मेजॉरिटी ही है। साथ ही एकनाथ शिंदे ने ये भी खुलासा किया है कि एक बहुत बड़ी पार्टी है नेशनल लेवल की, वो उन्हें पूरा सपोर्ट दिखाने के लिए तैयार है। इधर अगर बात करें मुंबई में शिवसेना की, तो उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद अपना सीएम बंगलो, जो गवर्नमेंट बंगलो वर्षा में वो रहते थे, वहां से शिफ्ट होकर वो मातोश्री चले गए अपने पुश्तैनी मकान में। इनिशियली उद्धव ठाकरे ने ये भी ऑफर दिया था एकनाथ शिंदे को कि मैं रिजाइन करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे विधायक मेरे सामने आकर मुझसे ये बात कहे। एकनाथ शिंदे ने ये सारी बातें रिजेक्ट कर दी। उसके बाद कल से इधर उद्धव ठाकरे और उनकी टीम भी भड़क रही है। संजय राउत ने मीडिया में स्टेटमेंट दिया है कि जो भी बागी एमएलएस हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि उन्हें लौटकर यहीं आना होगा और यहाँ पर हम उनका जीना कैसे मुश्किल करेंगे वो ये समझ जाए।